दोस्तों नमस्कार, कैसे हो सब? दोस्तों देखिए, ये सीलिंग फैन है, आज इसका हम लोग जो है रिपेयर करेंगे। तो समस्या इसमें यह है कि पंखा जो है चल नहीं रहा है, और कस्टमर का कहना है कि जो है अंदर से स्पार्किंग का साउंड आ रहा है। तो देखिए, पहला चीज़ है, हम लोग इस तरह से अगर सीरीज लैम्प नहीं है तो आप मल्टीमीटर से भी जो है कंटिन्यूटी रेंज में रख करके चेक कर सकते हो। पहला टेस्ट है, स्टेप है, यही स्टेप आपको फॉलो करना है, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। देखिए, फैन बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का फ़ैन है, बहुत ही जो है डिज़ाइन लुक है उसका। तो देखिए, कंटिन्यूटी जो है दोनों दो में मिल रहा है, एक में नहीं मिल रहा है। तो फटाफट से जो है ये कैपेसिटर का जो होल्डर है इसको खोल लेंगे, खोल करके कैपेसिटर वगैरह जो है निकाल लेंगे और खोल करके अंदर देखेंगे इसमें प्रॉब्लम जो है कहाँ से हो रहा है। तो पूरे पूरा रिपेयर करके बताएंगे ये वीडियो में। तो चैनल में नए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन के प्रेस करने के साथ ऑल बटन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में बने रहिए, कुछ भी डाउट है कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो क्योंकि गर्मी का मौसम आ रहा है, पंखा का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है होते रहता है, तो अगर कुछ सीखेंगे तो आप भी जो है इमरजेंसी में जो है अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो खुद ही जो है रिपेयर कर सकते हो। तो देखिए, फ़ैन को मैंने ओपन कर दिया है और देखिए अंदर जो कनेक्शन का वायर है वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया होगा, जिसका कारण जो है ये देखिए कोयल के ऊपर जो कनेक्शन का वायर जो कोयल के ऊपर से रख करके गया है, तो यहाँ पे इसका स्पार्किंग होने की वजह से देखिए कोयल भी ख़राब हो चुका है और वायर जो है पूरी तरह से यहाँ पर जो है जल चुका है। तो ये प्रोटेक्शन जो है कंपनी भी जब नया फ़ैन बनाते हैं, देखिए इस तरह से इंसुलेशन पेपर वगैरह लगा करके देता है, फिर भी जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम को वजह से इस तरह से प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाता है। तो ये देखिए, कनेक्शन के वायर को मैंने खोल दिया है, जो धागा यहाँ पे बंधा हुआ था। तो देखिए, आप देख पा रहे होंगे नीचे जो है अंदर का कोयल जो है, तीन कोयल यहाँ पर जला हुआ है। तो फटाफट से इस तरह से कनेक्शन का तार को जो है हम लोग कट कर देंगे, और ये जो कॉमन वायर का कनेक्शन है, दो तार एक साइड में जुड़ा हुआ है, ये बिल्कुल सही है इस तरफ का कोयल, तो इसको हम लोग साइड में रख देंगे और ये दोनों को जो है निकालने का कोशिश करेंगे। तो देखिए, कनेक्शन का वायर जो है यहाँ से निकल चुका है। तो देखिए, इसको हम लोग निकाल देंगे कनेक्शन का वायर को, लेकिन देखिए यहाँ पे जो है अंदर तीन कोयल जो है जला हुआ है और बाहर का कोयल जो है बिल्कुल सही है। अगर एक कोयल अगर जला होगा तो रिपेयर करने में थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों का तीनों कोयल यहाँ पे जला हुआ है। तो ये तीनों कोयल को जो है चेंज करके हम लोग जो है चला सकते हैं फ़ैन को दोबारा से। तो इसके लिए हम लोग को जो है ये बाहर का जो कोयल है यहाँ से भी जो है कोयल को निकालना पड़ेगा, ताकि देखिए अंदर का कोयल को रिवाइंड करने के लिए ये बाहर का कोयल अगर रहेगा तो रिवाइंड नहीं कर सकते, तो बाहर का कोयल भी हम लोग को जो है काट करके निकालना पड़ेगा ताकि अंदर का कोयल जो है रिवाइंड कर सके जितना जला हुआ है। तो देखिए, कोयल को मैंने काट करके निकाल दिया है। देखिए, तीन स्लॉट जला हुआ था लेकिन कनेक्शन का वायर जो है मुझे नहीं मिल पा रहा था, तो चार स्लॉट मैंने निकाल दिया है यहाँ से, चार नहीं पाँच स्लॉट मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए अंदर का भी मैंने चार निकाल दिया है, एक और स्लॉट हमको निकालना पड़ेगा। तो इससे ज़्यादा अगर स्लॉट आपको निकालना पड़ जाता है तो बेटर होगा आप जो है पूरे के पूरे कोयल को ही चेंज कर दे। तो अगर एक दो कोयल अगर जला हुआ है तो आसान हो जाता है, क्योंकि एक दो जितना जला हुआ है एक दो को काटने के बाद जो है कनेक्शन का वायर भी आपको आसानी से मिल जाता है और दोनों को रिवाइंड करने में समय भी नहीं लगता, आप नहीं लगेगा आपको जल्दी जो है एक दो स्लॉट आप रिवाइंड करके जो है चला सकते हो, या तो एक ही अगर स्लॉट आप होशियारी से अगर काट करके निकाल दोगे तो बिना एक स्लॉट का भी जो है पंखा जो है आराम से चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो देखिए, मैंने इस जितना निकाला था मैंने कोयल सभी को रिवाइंड कर दिया है और इसका जो कनेक्शन वगैरह है ये भी मैंने लगा दिया है और इसमें वार्निश वगैरह भी मैंने जो है चढ़ा दिया है। तो वार्निश वगैरह जो है ज़रूर चलाइएगा, बिना वार्निश का जो है चलाने का कोशिश मत कीजिए।
तो ये देखिए वीडियो में बने रहिए, अभी जो है फाइनल हम लोग इसका जो है टेस्टिंग करके दिखाएंगे। तो ये जो पंखा है उषा कंपनी का है और इसका कीमत कम से कम 4 से 4.5 हज़ार रुपये का होगा। और इसमें जो है इसका कवर जो आप लगाएंगे, कवर लगाने में भी थोड़ा सा आपको देख करके लगाना है, क्योंकि बहुत ही नाजुक है इसका बनावट। मतलब अंदर जो स्पेस दिया गया है कोयल और जो राउटर है इसका बीच में जो स्पेस दिया गया है, और दूसरा फ़ैनों के मुताबिक ये बहुत ही कम है। आप कवर को थोड़ा सा भी इधर उधर जो है, ये तीनों स्क्रू जो लगा के रखा है, थोड़ा सा भी तीनों स्क्रू में से कोई भी एक जो है थोड़ा सा लूज़ या थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो पंखा जो है चल नहीं पाएगा, अंदर जो है घिसने लगेगा। तो ये चीज़ का जो है ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह का फ़ैन जो है पहले भी मैंने खोल करके रिपेयर किया है और मैं खुद जो है इसको लगाते समय बहुत ही जो है प्रॉब्लम फेस किया मैंने भी। तो ये चीज़ का ध्यान में रखिए। और पंखा बिल्कुल नया है, देखिए इसका पेंट वगैरह भी आप देख पा रहे होंगे। तो इसको इसका ऊपर जो है हमर वगैरह लगाना भी थोड़ा सा रिक्स है, ये पेंट वगैरह चला जाएगा। तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर का जो उल्टा साइड है जहाँ हैंडल होता है, इस तरफ से आप थोड़ा सा इस तरह से थोक देंगे तो जो है देखिए इस तरह से जो है जाम लग रहा है। तो तीनों स्क्रू में से कोई भी एक स्क्रू जो है थोड़ा सा टाइट होगा या तो थोड़ा सा लूज़ होगा, बराबर फिटिंग नहीं होगा। तो कवर को आप अगर ध्यान से अगर बीच में देखोगे तो बिल्कुल बैठ चुका है, लेकिन थोड़ा सा ये स्क्रू को जो है तीनों स्क्रू को आप एडजस्ट करना है, थोड़ा सा लूज़ या थोड़ा सा टाइट करके जो है अपने दूसरा हाथों से जो है फ़ैन को घुमा करके चेक करना है। तो देखिए फिटिंग हो चुका है, सप्लाई दे दिया हूँ मैं, पंखा जो है बिल्कुल देखिए सही चल रहा है। और मैं अपना हाथ को नीचे रखा हूँ इसका स्पीड टेस्ट करने के लिए, और स्पीड भी बिल्कुल बराबर जो है सही तरह से बना हुआ है। और ये इतना फास्ट फ़ैन नहीं है, क्योंकि हेवी जितना भी फ़ैन होगा आप जो है ये फ़ैन जो भी हेवी जितना भी होगा फ़ैन, उनमें जो है ये जो है हेलीकॉप्टर का जैसा जो घूमने का जो स्पीड होता है वैसा नहीं होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम कोयल का जो फ़ैन होता है ज़्यादा करके जो कम दामों में आता है 1,000 रुपये का अंदर, वो सब फ़ैन जो है घूमता बहुत एकदम गोली की तरह घूमता है, लेकिन उसमें जो है नीचे जो है ठंडी हवा आना मुश्किल है, बहुत ही कम मिलता है। और इस तरह का जो हैवी फ़ैन होता है इसका स्पीड एक हिसाब से बना हुआ है, और आपको जो है ठंडी हवा हमेशा जो है ये फ़ैन के नीचे बैठ करके जो आपको ठंडी हवा मिलता है वो वैसा जो कम दाम का फ़ैन वो मिलता है वैसा नहीं मिलेगा आपको।